ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਗਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ NDTV ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਘੁਮਾਫਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੋਮਨ ਮੈਗਸੈਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਐਫ ਐਮ ਪਰ। नमस्कार और आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार कहिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बसे हुए हैं वो मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। हुसैनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात करें। मुझे मालूम है कि आपका दिन काफी आज मसरूफ रहा होगा, आप अभी शो खत्म करके हटे हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बावजूद अभी देर रात है आपके पास, आप बात करने के लिए अवेलेबल हो सके। बहुत सी बातें हैं रवीश जी जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि पत्रकारी की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? लिखने की शुरुआत हुई थी जी। तो हमारे शिक्षकों ने कहा कि आप इस दिशा में जाएं, तो मैंने अपने शिक्षक की बात मान ली कि ठीक है, मास्टर साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे जी। क्योंकि तब तक मैं लिखने में कम दिलचस्पी लेता था और खुद पे भरोसा नहीं था। बहुत साधारण सा विद्यार्थी था, तो क्लास में हिस्ट्री की क्लास में वो कहते थे कि मैं उनसे कहता था कि सर आप जो पढ़ाते हैं मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा तो कहाँ ध्यान रहता है? मैं ये बिल्डिंग शहर लोग इन सबको देख के सोचता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम इन्हीं सब चीजों पर लेके लाया करो। मैं शुरुआत में इन्हीं सब चीजों पर लेके लाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसी से फिर बाद में जो पढ़ाई का जो मेरा विषय था उसमें दिलचस्पी हो गई और उनको मेरा लिखना पसंद आने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जर्नलिस्ट बनना चाहिए। तो और फिर वक्त हालात बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो आपको उस दिशा की तरफ ले जाती हैं, तो उन सबका भी योगदान है कि आप एक दिन अचानक इस सहासत की दुनिया में आ जाते हैं। जी रवीश जी, जहाँ देखिए एक सीरियस एंकर जो तथ्यों के आधार पर सारी बातचीत करने वाले और ऐसे मुद्दों को उठाने वाले जो कि हो सकता है कि अदरवाइज सुर्खियों तक पहुंचे ही ना, वहीं साथ ही साथ आपका एक सेंसिटिव साइड भी है, एक ह्यूमरस साइड भी है जो आपने किताबें भी बहुत सी लिखी हैं, खासतौर से क्योंकि वैलेंटाइन का हफ्ता चल रहा है, इश्क में शहर हो जाना, उसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे वाक्यात हैं जो जिन्हें पढ़कर चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो जो वाक्यात हैं वो किस तरह से आपने उनको कंपाइल किया उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। जी मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि मैं काफी देर रात घर लौटा हूं, तो मैं खाना भी खा रहा था तो मैं माफी चाहूंगा। आपका यही अंदाज है रवीश जी, जो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग जो अपने काम को सीरियसली लेते हैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, आपकी ये जो ओपननेस है ना, आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए। ये जो सादगी है कमाल है, तो जरूर आप साथ साथ खाते खाते बात कीजिए। हम एक ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे, बैकग्राउंड से, जहाँ पे बहुत तरह की बंदिशें थी और इस तरह के शहर नहीं थे, बड़े शहर नहीं थे बिहार में। तो पहला बड़ा शहर जो मुझे मिला महानगर के रूप में
वो दिल्ली मिला जी। और वो जिस साल की दिल्ली थी वो दिल्ली गांव वाली दिल्ली थी, जो बीर सराय, जिया सराय, कटवारिया सराय, मुदेका और अर्धचीनी और इस तरह से पिलंजी गांव, इस तरह वाले गांव में बसने वाली दिल्ली थी जी। जो बाहर से लोग आते थे और एक तरह से आप उन समुदायों समाजों को देख रहे थे। पहली बार हमारे पड़ोस में जरूर सिख समुदाय के लोग थे, हमारी अरोड़ा आंटी बहुत पुरानी पड़ोसी थी, खूब दोस्ती थी, पर यहाँ अगर एक पूरी सिख संस्कृति से भी वास्ता होता है, आप जाट गुर्जर की संस्कृति से वास्ता होता है, और मैं ये समझ पाया कि इनके गांव में आप देखिए मुनिरका जैसा एक गांव है, वहाँ पे उत्तर भारत के कितने सारे लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, पूर्वोत्तर के लोग हैं, वो कमाल की जगह है जी। और जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं वो जाट लोग हैं और गुर्जर लोग भी होंगे जी। तो किस तरह से उन लोगों ने पूरे भारत को जगह दी, तो एक छोटा सा गांव कैसे बड़ा बन जाता है। तो उनके उन लोगों को मैंने बाकी धारणाओं से अलग देखा जी। वो एक धारणा बन जाती है ना, ये कम्युनिटी बहुत अग्रेसिव है, सिख बहुत अग्रेसिव है, लेकिन मैंने देखा कि कितने अच्छे लोग हैं, किस तरह से एकोमोडेट कर रहे हैं, सबको रास्ता दे रहे हैं, सबको जगह दे रहे हैं जी। तो एक शहर को देखने का एक नजरिया बना, वो मेरे नए रिश्तेदार बने, मैं उनके शहर का हिस्सा बना। तो मैं काफी घूमता था दिल्ली में, पैदल चलता रहता था जी। तो जो छवियां देखी थी और अपने अपने दौर के समय की जो चीजें देखी थी, तो वो इश्क में शहर होना के रूप में सामने आई। आप जो कनाडा में रह रहे हैं, आपके श्रोता अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उन्हें पता है अच्छी तरह से कि जब वो अपने दोस्त के साथ या अपने दोस्त के साथ सड़कों पे हैं, कहीं पार्क में हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ मुमकिन है कि लोग लाठी लेकर आ जाएं, घरों तक बात पहुंच जाए, झगड़ा हो जाए, गांव के गांव जला दिए जाते हैं जी। जाति को लेकर गांव के गांव जला दिए जाते हैं दक्षिण भारत में, बिहार में, यूपी में, पर महानगर हमारे उससे कुछ अलग स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ आप चल सकते हैं, अपना फैसला कर सकते हैं। तो वो उन सब की कहानियों का रिफ्लेक्शन था इश्क में शहर होना। भारत में कई भारत हैं और एक भारत के हिस्से से वो दूसरे लेवल का जो भारत है उसमें आया इंसान किस तरह अपने आप को फिट करता है, आई थिंक उसमें उसके बहुत से ऐसी मिसालें हैं। रवीश जी, मैं बात लाना चाहूंगा मीडिया की ओर, क्योंकि देखिए मीडिया का जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जो प्रोग्रामिंग रही है, जिस तरह का नैरेटिव रहा है, उसमें काफी ज्यादा जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज के भारत में जो टीवी चैनल्स के द्वारा जो परोसा जा रहा है वो लोकतंत्र के स्तंभ को खोखला कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस पे समय समय पर बात भी करते रहे हैं, क्या आने वाले समय में आपको हालात में सुधार आने की आशा है? नहीं, वो देखिए मैं कोई निराशा में ये बात नहीं कह रहा हूँ जी। कहने की जो एक प्रोसेस है उसे आप समझें तो वो सिर्फ समय के आ जाने से ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने मीडिया की इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उनके इंटरेस्ट बहुत तरह के बदल गए हैं। उन्हें लगता है कि उनके चैनल पे मंत्री का इंटरव्यू बहुत जरूरी है और मंत्री के इंटरव्यू के लिए आना जाना, उठना बैठना, बहुत सारे विज्ञापनों के लिए वो आश्रित हैं। जो मॉडल है, जो हमारे यहाँ जो सरकार जो विज्ञापन देती है उसकी कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी से मेरा मतलब है कि ऐसी कोई पॉलिसी जिससे हम और आप चर्चा करते हों कि आपका ये जो पैसा है वो टैक्स का पैसा है, तो आप उस पैसे का विज्ञापन देने में किसी भी चैनल के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वो आपके मन का इंटरव्यू नहीं चला रहा है जी। और हमने ये सवाल गुज़िश्ता सालों में भी नहीं पूछा और अब भी नहीं पूछ रहे हैं, और वो कई हजार करोड़ का पैसा है जो सरकारों के पास है, केंद्र सरकार के पास ही नहीं, तो वहाँ बहुत तरह का मैनिपुलेशन होता है। और कोई भी मैं देख रहा हूँ कि जो सत्य की जो तलाश है वो बंद हो गई है, लोगों ने झूठ को ही सत्य मान लिया है। और आपके जो श्रोता जो दूर हैं भारत से, मैं उन सब से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि कुछ तो आप अपने मुल्क को याद रखते होंगे, कुछ तो प्यार करते होंगे, जब आप टोरंटो में देखते होंगे कि हाँ इतना अच्छा सिस्टम है, स्कूल है, तो क्यों नहीं भारत में भी हो सकता है। वो इन्हीं सब वजहों से नहीं है कि हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और सही सवाल पूछने का
ना समाज में माहौल बनाकर दिया हुआ है, ना पॉलिटिकल पार्टीज, ना हमारे इंस्टीट्यूशंस ने फर्जी केस में कोई फंसा देगा, कोई विज्ञापन नहीं देगा तो नौकरी नहीं चली जाएगी। कुल मिलाकर एक एक व्यक्ति का मामला हो जाता है जो कुछ दिनों तक जोखिम लेता है और फिर हटा दिया जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है जी। तो इस तरह से हमने सत्य बोलने का माहौल नहीं बनाया। गांधी तो यही चाहते थे ना कि वो सत्य बोलने का माहौल बने और सबके भीतर सुनने और कहने की शक्ति आए, एक समाज बने। तो सोचिए कि उस दौर में लोगों ने गांधी को मार दिया जी। तो ये जो मीडिया का जो ढांचा है वो अब कॉरपोरेट ड्रिवन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसा आने की जो पारदर्शिता है वो पता नहीं है जी। तो इसलिए अब मीडिया में और खासकर जो रिपोर्टिंग की जो पूरी कला है उसको खत्म कर दिया गया। एक ही एंकर है, बड़बड़ाता रहता है किसी भी टॉपिक पर। अब आजकल वो बड़बड़ाते हुए एंकर पागल हो जाते हैं, वो होंगे क्योंकि उनके पास सूचना नहीं है। देखिए, अगर जनता के पास सूचना ना होना तो जनता इसी तरह से पागल होकर नाचने लग जा सकती है जी। उसी तरह से एक एंकर के पास कोई नई सूचना नहीं है, वो झूठ पर बड़बड़ाता है, बोलता है तो बोलते बोलते चिल्लाने चीखने लगता है। जैसे बहुत सारे एंकर के लोग, अंग्रेजी के चैनलों के जो एंकर हैं, स्टूडियो में ही दौड़ने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, गाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं जी। तो एक तरह से बड़बड़ाहट आ गई है इसमें। तो जब तक अब इसको मीडिया के भीतर से बदलाव नहीं होगा, बदलाव तभी होगा कि जब हम सारे लोग समझें कि ये मामला मोदी का नहीं है, ये केजरीवाल का नहीं है, ये राहुल गांधी का नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का है जिसके स्टेक होल्डर हम सब हैं, आप भी हैं जी। और अगर सूचना का फ्लो अगर प्योर नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी हमेशा झूठ पर आधारित रहेगी। और झूठ पर जब लोकतंत्र टिकने लगता है ना, उसमें चैन नहीं होता है। लोग बहुत तरह तरह के स्तरों पर बेचैन लोग होते हैं, एक रेस्टलेस सोसाइटी बन जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है सैनिक साहब। तो मुझे नहीं लगता इस प्रोसेस को देखते हुए कि कोई ऐसा फाइनेंशियल मॉडल है जो मीडिया को मीडिया का काम करने के लिए खड़ा करेगा। वो धीरे धीरे हम जैसे लोग जो अपवाद के रूप में नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है कि हैं, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे और एंकर हैं, बहुत सारे और पत्रकार हैं, पर ये सब हाशिए के लोग हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। तो इंडिविजुअल की लड़ाई जो है वो मीडिया जैसी चीजों में आप नहीं जीत सकते हैं। अपना स्पेस बना सकते हैं, जैसे मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं जी। लेकिन मुझे एक इंस्टीट्यूशन तो चाहिए या मेरे जैसे को एक इंस्टीट्यूशन चाहिए ताकि मैं उन बहुत से लोगों तक पहुंच सकूं जी। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो एक मीडिया मैन के लिए, यानी हमारे आपके लिए वो इंस्टीट्यूशन एक मीडियम है। तो वो ना सिर्फ दर्शकों को ना चाहिए प्योर मीडियम, बल्कि हमें और आपके लिए भी चाहिए जहां हम जाकर पत्रकारिता कर सकें। मुझे नहीं लगता कि आज के भारत में अगले 10 सालों के तक ये स्थिति है। कोई प्रधानमंत्री, आज के दिल्ली के चुनाव हुए हैं, अखबारों में किसी ने पीएम या अमित शाह के बारे में कोई क्रिटिकल लिखा नहीं है जिस तरह से टेलीग्राफ ने लिखा है जी। कार्टून बनाने में भी अब इधर उधर की छोटे छोटे वेबसाइट में तो चीजें आ रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया वो पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया, उसमें अब जर्नलिज्म खत्म हो गया है। तो हम या आप कोई भी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, वो यही दिन रात जब भी चांद देखता है तो हिंदुस्तान को याद करता है और सोचता है कि उसके मुल्क में इकबाल आए, लोगों में बोलने में, वो खत्म हो गया है। आपको नहीं वापस आ सकता इतनी आसानी से जी। रवीश जी, आपको लगता है कि जो 24 आवर न्यूज चैनल्स का जो कल्चर आया, उसने न्यूज को और ये समाचार का जो सारा काम था, इसको बढ़ावा देने की बजाय, उसमें सुधार लाने की बजाय, उसमें और गिरावट ला दी है? मुझे लगता है कि आपने काफी ठीक सवाल पूछा है। इसने पागलपन पैदा किया है समाज में, हर समय सूचनाओं को ना तुरंत एक तत्काल फ्लैश में बदल दिया, और पहले खुद भी वो फ्लैश के रूप में पेश करना शुरू किया, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। तो उस ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में कई तरह के पागलपन वाली घटनाएं हुई कि एक नेता पे 500 पत्रकार टूट पड़े हैं, तो कई बार लगता था कि आपस में एक दूसरे की हत्या कर देंगे, धक्का मुक्की कर देंगे जी। तो सारी सूचनाओं का जो खेल है वो सेंसेशन का हो गया कि 24 घंटे ये चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक समाज को पूरा आप अलर्ट लाइन पे रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो पूरा आप पहले लगा कि नहीं ये टूट गया है, लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं जी। लेकिन आप ऐसे देखिए कि उन इंस्टीट्यूशन जिनका बचाव आप इंफॉर्मेशन के रूप में कर रहे हैं,
उनके भीतर तो इन्फॉर्मेशन लाने का सारा सिस्टम तो अब खत्म हो गया ना, अब वही एंकर चीखता चिल्लाता रहता है। तो एक तरह से उसने न्यूज के खोजने का धीरज, न्यूज को पेश करने का जो धीरज था और न्यूज को सुनने का जो धीरज था उसको ध्वस्त कर दिया। जी, शो कम और शोर ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान में नहीं हुआ, हाँ ये दुनिया के हर देश में हुआ। आप 70 के दशक में, 80 के दशक में अमेरिका के में जो आपके टेलीविजन के जो एकेडमिक्स है उसमें आप पढ़ेंगे किताबों में, तो उसमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से टेलीविजन में आते ही उसको कॉन्टेक्स्ट से काट दिया टीवी ने। अब सब कुछ एक इमेज है, तो एक इमेज चाहिए। तो इमेज से अब वो बहुत आसान हो गया है। जिस तरह से आप इस टिकटॉक को आप अपने स्मार्टफोन पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी तरह से न्यूज जो है आपके सामने सेंसलेस तरीके से स्क्रॉल होता चला जा रहा है। और दरअसल आप देखेंगे कि जो पूरा न्यूज है सैनी साहब, वो चार पांच लोगों के आसपास या चार पांच शहरों के आसपास या चार पांच घटनाओं के आसपास ही घूम रहा है। चार दिन से हिन्दुस्तान का मीडिया, खासकर दिल्ली का, वो अनावश्यक रूप से ग्राफिक्स डेटा लगा लगा के दिल्ली के चुनावों का विश्लेषण कर रहा है। इतनी दिलचस्पी थी तो वो कवरेज करने चला जाता, कवरेज करने नहीं गया, क्योंकि वो डेटा ले आया है। एक डेटा ले आते कुछ जुमले गढ़े जाते हैं कि मोदी शाह, मोदी 2.0, केजरीवाल 2.0, इन सब चीजों का आप देखेंगे तो अंत में कोई मतलब नहीं निकलता है जी। और हमारा समाज जो है ना वो सेंसलेस बनता चला जाता है। पेश करने वाला भी हो जाता है, सुनने वाला भी उसी का रिफ्लेक्शन हो जाता है। टेलीविजन बहुत सोसाइटी को बदलता है, फिल्मों का असर होता है, वरना तो ये सारी चीजें खत्म हो गई जी। लेकिन ये जो टेलीविजन पर अब जो शोर का माहौल है, उसमें साथ साथ ये बात भी चलती है कि जो शोर होते हैं वो शोर नहीं मचाते। ये भी आपने बहुत कायदे की का सवाल पूछा है कि जो शोर होते हैं वो शोर नहीं मचाते जी। वो श्योर होने के लिए बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन रिसर्च वर्क चाहिए जी। इस वक्त देखिए कोई एंकर काम नहीं करता है, ये मैं आपको सही से बताता हूँ। आप उनके कमरे में सीसीटीवी लगा के देख सकते हैं, वो दफ्तर आते हैं घूमते फिरते हैं आज क्या टॉपिक है, तो अमित शाह ने ऐसा कह दिया है, केजरीवाल ने ऐसा कह दिया है, अच्छा इसको क्वेश्चन ऐसा बनाओ, दो पेज बनाओ जी। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। तो आप बीच में कह देंगे, फिर बीच में कोई गुस्सा के कह देगा कि अमित शाह ऐसे हैं, तो कहेगा हमारे केजरीवाल वैसे हैं, तो वो पूरी फाइट बदल जाती है और वो खुश होकर घर चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक घंटा भी नहीं लगता है जी। जो मैं काम करता हूँ, जो आप प्राइम टाइम देखते हैं, उसमें मैं ठीक ठीक 7-8 घंटे लगातार कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता और इतनी कम सूचनाएं होती हैं कि उनको हासिल करने के लिए दिन रात आंख लड़ाकर रोज पढ़ता हूँ जी। सैकड़ों की संख्या में व्हाट्सएप पढ़ता हूँ। कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम 2-2.5 लोगों की टीम ही है जी। जो रिसोर्स का जो संकट आया है वो हम पर भी आया है। तो एक तरह से पूरी सुबह से उठता हूँ तो रात के 11 बजे तक मैं यही काम करता रहता हूँ और उसका असर हेल्थ पे भी बहुत खराब पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वो श्योर होने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है जी। अभी आपके फोन आने से पहले मैं किताब पढ़ रहा था हकीम अजमल खान साहब के बारे में जी। तो ये किताब उड़ा, अब ये टेलीविजन का पत्रकार रात में घर जाके किताब भी पढ़ेगा तो उसकी अपनी जिंदगी क्या हो। बिल्कुल। लोग मुझसे उम्मीद करना चाहते हैं जी। तो कुछ लोग मुझसे गलत भी उम्मीद करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, मुझे अब अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे एक बात तो सत्य तो है कि हम तो कोई सेफ तो है नहीं, और जिंदगी चलानी है तो नौकरी भी करनी है। लेकिन कुल मिला के सैनी साहब ये तरीका पसंद नहीं है। थोड़ा रफ्तार अगर कम होती तो अच्छा रहता कि थोड़ा रुक के रोज रोज बताना तूफान की तरह से दिमाग पे असर तो करता ही है। तो उसने पूरा जो श्योरिटी का जो पूरा जो कायदा था वो बदल दिया, ध्वस्त कर दिया जी। इन्फॉर्मेशन सूचना जब आती है ना उससे आप श्योर होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए मीडिया कहाँ फेल हुआ, करोड़ों की संख्या में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आज एक जमाने में सिखों के बारे में फैलाई गई, अब मुसलमानों के बारे में फैलाई जा रही है। तरह तरह से लोग धारणाओं के शिकार हो गए, बीमार हो गए। इसलिए मीडिया का काम था कि उन धारणाओं को बर्स्ट करना, बताना। तो सही सूचनाएं अगर मीडिया के भीतर, मीडिया के एंकर पत्रकार श्योर होते ना जी, समाज में श्योरिटी आती, समाज थोड़ा सा स्थिर नजर आता, लगता कि हाँ हम सब टैकल कर ले, वो बेचैनी नहीं आती। अब ऐसे झुंड पैदा होगा जो दिन भर कल्पना करते रहते हैं, एक दिन मुसलमानों की आबादी ऐसी हो जाएगी, एक दिन मुसलमानों का ऐसा हो जाएगा, उन्हें भूख लगी है, खाने की चिंता नहीं है जी। ये सब करने में लग गए हैं। ये सब सियोरिटी तभी आएगी जब सही सूचना होगी, तो नागरिकों के बीच में विश्वास बढ़ेगा, डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है।
जी बिल्कुल, और उसका रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा रवीश जी, कि जब अभी पिछले साल बीजेपी की सरकार को भारी बहुमत मिला, उसके बाद से फिर जो राज्यों में चुनाव होने लगे, जब उसी श्रृंखला में अभी दिल्ली में चुनाव होकर हटा है, और उसमें बीजेपी को काफी मुंह की खानी पड़ी, तो ऐसा पिछले 9 महीनों में क्या हुआ कि जो वोटर है उसकी साइक के ऊपर कुछ असर तो हुआ लगता है? ये प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो एक धार्मिक रंगत देने की कोशिश की जा रही है उसे कई जगहों पर उसे नकारा जा रहा है, तो ऐसा पिछले 9 महीनों में क्या हुआ है जिससे कि 9 महीने पहले बीजेपी को भारी बहुमत मिला और उसके बाद राज्यों में जाकर अब बीजेपी की बात उस कदर बन नहीं रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक माहौल बनाया गया कि इस देश में चांद भी नरेंद्र मोदी है, सूरज भी नरेंद्र मोदी है, और प्रकृति ने तो ऐसा बनाया नहीं, चांद को अलग बनाया और सूरज को अलग बनाया, तो लेकिन विज्ञापन वालों को भरोसा लगता है तो एक चेहरे की राजनीति हर जगह स्थापित कर देंगे। 19 में क्या हुआ कि 19 तक आते आते लोगों का सब्र जा रहा था, मगर पुलवामा का अटैक हुआ उसको लेकर ड्रामा रचा गया, लोगों को गुमराह किया गया और उसे एक भावनात्मक उफान में वो जीत लिया गया जी। लेकिन वो कुछ समय की बात थी, जनता फिर धीरे धीरे महसूस करने लगी, तो इसलिए उसका आप उस गुस्से की नाराजगी आप राज्यों में देखते हैं। लेकिन अभी बीजेपी के हारने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो जो राजनीति जो इस वक्त वो दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया कि एक मोहल्ले में बैठी औरतों को पहले पाकिस्तान कहा जी, वो मुसलमान थी, फिर आपको आपको आतंकवादी कहा गया, गद्दार कहा गया, फिर उनको गोली मारने के नारे लगाए गए, ये राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। ये लगातार एक ऐसे सेक्शन में इस तरह के जो अंधविश्वास है, कट्टरता है, वो बहुत मजबूत होती चली जा रही है, क्योंकि इससे कोई लड़ नहीं रहा है। जहां भी बीजेपी हारी है, किसी ने बीजेपी को इस मुद्दे पे इस बीमारी से, देखिए कैंसर की बीमारी का इलाज जो है ना, मलेरिया की दवा नहीं है जी, कैंसर की बीमारी का इलाज आपको कैंसर की दवाओं से ही करना पड़ेगा, मलेरिया के टैबलेट से आप नहीं कर सकते, आप जी, आप खांसी के टैबलेट से और सिरप से नहीं कर सकते हैं। तो अभी यही हो रहा है, और हम नहीं करेंगे ना अपनी सोसाइटी को कि फिर ये तूफान आएगा और हम सबको कहीं और झुकने में मिल जाएगा। रवीश जी, युवा पीढ़ी अगर देखें और इस वक्त यूनिवर्सिटीज में खासतौर से JNU और जामिया मिलिया में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद आप युवा पीढ़ी में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं इंडिया में सियासत को लेकर, या ओवरऑल जो एक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, उसको लेकर? हमारी पार्टियों के प्रोसेस में और चुनावी प्रक्रियाओं में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां युवा जो है सीधा किसी पार्टी को वोट देने के अलावा डेली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंगेज हो सके, इसलिए वो ज्यादातर सड़कों पे रहता है, नहीं सड़कों पे आएगा तो उसका काम नहीं बनेगा जी। एक बदलाव आया है कि महानगरों के युवा थोड़ा सा समझ रहे हैं कि उनकी लोकतांत्रिक भूमिका, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए, तो उसका रिफ्लेक्शन है। जामिया ने बहुत ही इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म दिया, जिसके कारण नतीजे में आप देखेंगे कि वहां मेजोरिटी कम्युनिटी के भी लोग गए, पंजाब से सिख भाई लोग आए जी, और उसको समर्थन जताया है, अच्छी चीजें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें जो दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि एक एक मोहल्ले को दिखाकर जो मुसलमान है, इस दिल्ली को उसी तरह से जमा किया गया जिस तरह से 84 में किया गया था, कि घरों को दिखाकर यही तो किया गया था ना जी, घरों की निशानदेही करके भीड़ को जमा किया गया था, तो वही खेल खेला गया है। तो इस बार सिख नहीं है, इस बार मुसलमान थे, लेकिन मुझे लगता है कि 54% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, तो कुछ समझदारी आई होगी कि नहीं, ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए जी। रवीश जी, जो लोग बाहर बहुत उम्मीद करना जी, अब बोलिए, अभी युवाओं से, युवा भी अपने आप को ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि उनकी यूनिवर्सिटी सिस्टम खत्म हो गई है, इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और कोई वहां रहकर पढ़ना नहीं चाहता, तो अच्छे एजुकेशन का डिक्लाइन हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके श्रोता जो हमारे मोदी जी जब बाहर जाते हैं, तो स्टेडियम में जब जाते हैं उनके कार्यक्रम में, तो अब आप उनसे पूछना शुरू करें कि
एक चीज पूछें कि जब आप टोरंटो में रहते हैं तो याद करें कि उसका सिस्टम तो था ना, तभी तो आप पंजाब से चलकर वहां जाते हैं और उसके सिस्टम के भरोसे यानी पुलिस, अस्पताल, स्कूल के भरोसे आप वहां पे बहुत छोटे से शुरुआत करके काफी बड़ी हस्ती बन जाते हैं, यहाँ तक कि आप उसके पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, फिर आप कनाडा के मंत्रिमंडल में पहुंच जाते हैं। क्या भारत में ये संभव है? तो भारत किस बात का अपने आप को लोकतंत्र कहता है? आप खुद बताएं दुनिया में, आप जो लोग वहां रहते हैं, वहां रहने वाले भारतीयों का ये फर्ज बनता है कि वो सभी भारतीयों को बताएं कि वो कनाडा में रहकर कनाडा के लोगों से और अपने लोगों के वोट से भी जब संसद में पहुंचते हैं तो कनाडा के लोकतंत्र को खतरा नहीं होता है जी, बल्कि कनाडा का डेमोक्रेसी अच्छा होता है जी, क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले जो बाहर से लोग आए हैं उनको भी अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में जगह देता है जी। तो ये बड़ी बात हुई कि या वो बड़ी बात हुई कि हम गिनती गिन रहे हैं लोगों के, सर्टिफिकेट लाओ, डेट ऑफ बर्थ लाओ, एनआरसी करो, डिटेंशन सेंटर बनाओ, कौन सी बड़ी बात हुई जी। तो ये फर्क जो है आपके श्रोता बेहतर करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो सिस्टम को जिया नहीं, देखा नहीं। आपके श्रोता भारत के लोगों को बताएं कि ग्लोबल दौर में अगर हमारा सही ग्लोबल आउटलुक होना है तो आप चलो देखो टोरंटो में हम लोग कैसे वहां रहते हैं, बाहर के लोग हैं, हमें श्रीलंका भी वोट देता है, हो सकता है पाकिस्तान का भी कोई वहां रहने वाला आपके कैंडिडेट को वोट देता हो सकता है कि कोई आपको ऑस्ट्रेलिया वाला जो वहां आकर बस गया इंडियन कैंडिडेट को वोट देता हो और वो कनाडा के असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्री बन सकता है जी। क्या कमाल, तो कनाडा को तो डर नहीं लगा हुआ कि आप मंत्री बन जाएंगे तो उसका कनाडा खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा डर है? जी बिल्कुल नहीं, नहीं है ना जी। एक समय था, एक समय था जब था, लेकिन तो रोज जी अच्छा जी, एक समय था जब था, वो सौ साल पुरानी बातें हो गई जी। समय से और इस समय में कैसे बदलाव हुआ जी, बिल्कुल। तो उस समय को भी बताना चाहिए कि उस इनसिक्योरिटी से कैसे कनाडा ने डील किया, वहां बाहर से के मुल्कों से गए लोगों ने कैसे डील किया और फिर कैसे हुआ क्या हुआ जी। ये अच्छी बात है, तो हम इसे सीखे ना, अंत में कितना नस्लों के नाम पर और मजहबों के नाम पर डरेंगे और लड़ेंगे, बहुत मुश्किल है जिंदगी। तो कभी आगे चले, इतनी बेचैनियां है, कुछ तो आराम हो जी। रवीश जी, जी तो चाहता है कि आपसे इसी तरह से बातचीत करते रहें, लेकिन मुझे इस बात का भी इल्म है कि आपका ऑलरेडी बहुत लंबा दिन रह चुका है और कल सुबह आपको फिर बहुत जल्दी उठना होगा, तो आपने वक्त निकालकर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वैंकूवर के इलाके के कनेक्ट एफएम के सभी लिसनर्स और हमारे जो बाकी के सभी लिसनर्स हैं ऑल ओवर कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में, उनसे आपने अपने विचार साझे किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी वैंकूवर वालों को सत श्री अकाल जी और नमस्कार जी। जी सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी, और आने वाले समय में हम आशा रखते हैं कि आपसे इसी तरह वक्त दर वक्त बात होती रहेगी।